नैनीताल में सीएम के दौरे का विरोध कर रहे कांग्रेस जनों को जबरन गिरफ्तार करने के विरोध में बुद्ध पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंका। कांग्रेस जिला महामंत्री हेमंत साहू ने नैनीताल में किए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक गिरफ्तार किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की आवाज कुचलने में तुली हुई है। प्रदेश की जनता मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है और सीएम साहब हवा हवाई दौरे कर अपनी पार्टी के प्रचार में व्यस्त हैं। सिंह रावत की सरकार लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का आए दिन उत्पीड़न कर रही है। जब भी जनहित की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग सीएम के दौरे का विरोध करते हैं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत पुलिस का सहारा लेकर कांग्रेसियों के साथ आए दिन अत्याचार करते हैं, उनको बलपूर्वक गिरफ्तार करवाते हैं, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करते हैं कि हिटलर शाही गुंडागर्दी पूरी तरह से बंद करने का काम करिए। जनहित में और लोकतंत्र में सबको विरोध करने का, अपनी मांग रखने का सबका अधिकार है। लोगों के अधिकार से वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत में सहन नहीं करेगी।